हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विवियन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। कोंट्रा और टेम्पो की टक्कर में सफाई कर्मी महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। धौलपुर की प्रमुख खबर, वाटर वर्क्स चौराहे पर कोंट्रा एवं टेम्पो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें टेम्पो सवार महिला सफाई कर्मी रेखा उम्र 40 वर्ष पत्नी बनवारी निवासी हरिजन बस्ती गडरपुर धौलपुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर वाल्मीकि समाज के सफाईकर्मी अस्पताल में एकत्रित हो गए, जहां से शव को कोतवाली के सामने रखकर प्रदर्शन किया। कोतवाल प्रेमेंद्र रावत की समझाइश के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। सूचना पर एसपी सुमित महेड़ा, एसडीएम साधना शर्मा, डीएसपी एससीएसटी सेल, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा अस्पताल पहुंचे, जहां अधिकारियों के देर से पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। इसी बीच पुलिस के कब्जे से मृतका को लेकर समाज के लोग हाईवे की तरफ जाने लगे, जहां अधिकारियों ने एसपी सहित दौड़कर पटपरा रोड पर आकर सभी को रोककर समझाइश की तथा एक बार फिर मृतक महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। इस प्रकार सफाईकर्मी मुआवजे एवं अन्य तरह की मांगों को लेकर देर रात तक हंगामा करते रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। आज दोपहर 3 बजे की घटना है, कर्मचारी कुछ नगर परिषद में जा रहे थे, एक संगठन द्वारा बुलाया गया इनको कि हम हड़ताल करेंगे कल से, इनको सबको बुलाया, ठेके कर्मचारी सफाई कर्मचारियों को। इतने में उधर से ट्रक आ रहा था आगरा की तरफ से, उसमें टेम्पो को देकर चला गया, उसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक मृत महिला है, उसकी देहांत मौके पर ही मौत हो गई। और ये पूरा वाल्मीकि समाज प्रशासन ये मांग करता है कि जब तक प्रशासन यहाँ बात करने के लिए नहीं आएगा, जब तक ये मोर्चरी में लाश नहीं जाएगी ना पोस्टमार्टम होगा। और गरीब जो ठेके कर्मचारी हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा शोषण नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। 4-4 महीने से इनको वेतन नहीं मिलता है बेचारों को, और इनको जमादारों द्वारा ऐसा ही द्वारा इनको घसीटा जाता है, मंचे जहाँ बुला लिया जाता है, और समय के अनुसार ज़्यादा काम लिया जाता है इनसे, और वेतन के लिए कोई भी इनकी जिम्मेदार नहीं है। 4-4 महीने इनको हो गए। अब मांग क्या होगी? हम मांग जी हमारी, ये कर्मचारी ठेका कर्मचारी है, इसके घर में से एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।